सरकार का हमको सहयोग ये मिल पाया कि हमें एम्बेसी हर एक टाइम टू टाइम हमें अपडेट दे रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सेफ रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और हंगरी बॉर्डर के पास हम जब हंगरी कंट्री में एंट्री हुए तो उसके बाद हमें जहाँ हंगरी एम्बेसी जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ हंगरी में, वो लोग बहुत हेल्प किए, हमें रूम अलॉट करवाया और उसको एक दिन बाद अलॉट करवाने के बाद हमें फ़्लाइट करवाई गई और उसके बाद दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई गई। इसके लिए करके कितना श्रेय देते हैं भारत सरकार और झारखंड सरकार का? देखिए, हम खाली भारत सरकार और झारखंड सरकार को ही श्रेय नहीं देना चाहते, मैं इस सबको श्रेय देना चाहता हूँ जो मिशन गंगा में शामिल थे और जितने भी कर्मचारी या जो भी थे, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर एक स्टूडेंट को निकालने में अब हेल्प कर रहे हैं। दोनों को देंगे, एक को नहीं देंगे, दोनों हेल्प किए हैं। मेरा भी सरकार हेल्प की है, वहाँ जहाँ मेरा बच्चा था वो भी बहुत हेल्प किए हैं, वहाँ से जितने ही कष्ट में वो लोग हेल्प किए हैं तो उनको तो हम ज्यादा देंगे। आपने एक बात कही कि मेरा बच्चा तो वापस आ गया। हाँ, मेरा बच्चा तो वापस आ गया, जो बच्चा मरा गया उसको वो दर्द कौन मिटाएगा? क्या चाहती हैं आप, सरकार क्या करे कि आगे इस अब कर क्या सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, जो चला गया उसको तो वापस नहीं ला सकती है। खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।